हेलो स्टूडेंट्स, यह वीडियो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के उन परीक्षार्थियों के लिए है जो आगामी वर्ग 10 मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। अभी बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 द्वारा वर्ग 10 के लिए जारी किए गए मॉडल पेपर सेट गणित विषय के सभी 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर एक एक कर उसके सोल्यूशन के साथ स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो यहाँ कोड का आप मिलान कर लेंगे जो आपके सामने है 110 से 210, जो बिहार बोर्ड के रूटीन में मैथ के लिए ये कोड जारी किया गया। ये जो कोड है यही सही मॉडल पेपर सेट अर्थात आदर्श प्रश्न पत्र का कोड है और ये आपके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट सही है। तो चलिए आइए यहाँ एक एक करके सभी 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सोल्यूशन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। यहाँ पे संयुक्त संख्या की बात हो रही है तो संयुक्त सब पर आप विशेष ध्यान देंगे। एक है, दो है, तीन है, चार है, तो केवल चार ऐसी संख्या है जिसका हम गुणनखंड कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जानते हैं स्वयं तथा एक को छोड़कर अन्य दी गई संख्याओं में विभाजित होना। तो चार को दो गुणा दो लिखेंगे तो पहला का उत्तर होगा डी। दूसरा प्रश्न है, पाई है। अब पाई ये तो आप 9 से ही जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तीसरा प्रश्न के लिए तो देखिए यहां √3/12, तो √3/12 पर विचार किया जाए, यहाँ पे अपरिमेय पूछ रहा है तो कट जाएगा चार, चार का वर्गमूल निकल जाएगा तो हो जाएगा 1/2। यहाँ बी विकल्प जो है तो 2/10 है और अंडर रूट है, 2 से 10 कटेगा 5 और 1/5 का आप वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, विकल्प होगा बी। चौथा नंबर प्रश्न, दो संख्याओं के लसा तथा मसा बराबर है, तो संख्याएं हैं। अब यहां देखिए ये थोड़ा सा समझ वाली प्रश्न है, जब दो बराबर संख्याएं होती हैं तो उनका लसा तथा मसा दोनों ही बराबर होता है तो यहां चार का उत्तर हो जाएगा बी। पांच नंबर प्रश्न, 0.29 ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है तो इसका मान बताना है। आप ध्यान देंगे 9th में भी पढ़ चुके हैं तो बनाने का तरीका है कि ऊपर दशमलव के बाद जो रेकरिंग दिया है उसको ऊपर रख लेंगे तो ऊपर क्या होगा 2 9 और बटा में जितने पर रेकरिंग है उतना 9 9 रख देंगे तो हो जाएगा 29/99, विकल्प पांचवा का होगा डी। छठा नंबर प्रश्न, 1 − sin² 60°, अब चार विकल्प दिया हुआ है किसके बराबर होगा तो यहां देख लीजिए 1 − sin² 60° है तो ये cos² 60° होगा। क्यों? क्योंकि 1 − sin² θ बराबर cos² θ होता है और cos² 60° cos का मान होता है 60° का मान 1/2, तो 1/2 पर स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 1/4 अर्थात छठा का सी नंबर सही होगा। चलिए सातवां नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम लोग जानते हैं कि उस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होता है जिसका हर 2^m × 5^n के रूप में रहे, तो विकल्प ए पे विचार करते हैं। पहले 7/40, पहले तो देख लेंगे कि 7 और 40 में कुछ कट रहा है अथवा नहीं, तो यहाँ कोई चीज उभयनिष्ठ नहीं है। अब 40 को देखते हैं तो 40 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 5 ये होगा अर्थात 2 5 के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है तो 7/40 जो है इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यहीं पे मिल गया, फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, विकल्प हो जाएगा ए। आठ नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो विकल्प ए है 5/8, देखिए बटा में 8 है तो ये 2 के गुणनखंड के रूप में है। बी है 6/15, कटा देंगे ऊपर हो जाएगा 3 नीचे होगा 5 तो नीचे 19/512, 19 तो कटेगा नहीं, 512 को 2 के रूप में लिख सकते हैं, 2 2 2 ये होता चला जाएगा 512। यहाँ जो डी विकल्प दिया हुआ है 31/343, तो 343 जो है ये
दो गुणनखंड के रूप में अथवा पांच गुणनखंड के रूप में नहीं आएगा, इसमें अन्य संख्याएं आएंगी। तो यहां विकल्प हो जाएगा डी 31/343। नौ नंबर प्रश्न, 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक होगा, अर्थात 5 का घात लिखना है। तो आइए देखते हैं, 400 को 2 से कटाते चले जाएंगे, अर्थात खंड विधि से करते चले जाएंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ स्पष्ट देख रहे हैं केवल 5 के घात के संबंध में पूछ रहा है, तो 2 का घात हो जाएगा 4 और 5 का घात हो जाएगा 2। तो यहाँ 5 का घात होगा 2, विकल्प हो जाएगा 9 का ए। 10 नंबर प्रश्न, 130/5×8 = 10 तथा मस 130,15 का मस एक्स कमा वाई है, तो एक्स वाई बताएं। अब चलिए देखा जाए, यहाँ पर यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से ये प्रश्न है, 30/15×8+10, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। तो यहाँ अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में हो जाएगा 15/10×1/5, दूसरे स्टेप में हो जाएगा 10×5×2/0, क्रिया का अंत होगा। तो यहाँ हम जानते हैं कि जो एच सी एफ 130,5 का होगा वही एच सी एफ 15,10 का भी होगा, और वही एच सी एफ 10,5 का भी होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ विकल्प है केवल 15,10, 10 का उत्तर हो जाएगा ए 15,10। 11 नंबर प्रश्न, √125 का परमेयीकरण गुणांक है। यहाँ समझते हैं √125, जैसा कि आप देख रहे हैं इसको हम लिख सकते हैं 5√5। तो यहाँ √5 से यदि गुणा करते हैं तो 5 गुना √5 है, और एक और √5 से गुणा कर देते हैं तो ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ उत्तर होगा √5। 11 का उत्तर हो जाएगा सी। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। आइए विकल्प से देखते हैं, ए विकल्प है 9,16। तो कोई ऐसी संख्या नहीं है कि 9 को और 16 को काट दे, कोई ऐसी संख्या, एक ही संख्या, अलग अलग नहीं। क्योंकि देखिए 3 9 से कट जाएगा, 16 4 से कट जाएगा, किंतु 4 से 9 नहीं कटेगा और 3 से 16 नहीं कटेगा। यहाँ बी पे देखते हैं 15-20 है, तो 5 दोनों को काट रहा है, तो ये नहीं होगा। सी 21-84 है, इसमें भी 7 जो है दोनों को काट रहा है, 13 डी में दोनों को काट रहा है, ए में 9,16 जो संख्या है कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट रही है। तो यहाँ 12 का उत्तर हो जाएगा ए। 13 नंबर प्रश्न, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या एक होती है, क्योंकि रैखिक बहुपद क्या होता है, एक घाती बहुपद होता है, और बहुपद जितने घात में रहेंगे शून्यकों की संख्या उतनी होती है। तो 13 का सही विकल्प हो जाएगा यहाँ सी 1। 14 नंबर प्रश्न, बहुपद x-1 का शून्यक है। अब यहाँ पर x-1 का शून्यक पूछा जा रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि जिसका शून्यक निकालना हो उसे शून्य के बराबर कर देते हैं, तो x-1=0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। तो 14 का सही विकल्प हो जाएगा ए 1। 15 नंबर प्रश्न, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं -7 हैं तो द्विघात बहुपद होगा। आज मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा, जो आप गुणनखंड प्रमेय जानते हैं उसी के आधार पर चलिए हल करते हैं। दो शून्य का है -4 और 7। तो यहां पर गुणनखंड प्रमेय से हम जानते हैं कि अगर -4 शून्यक है तो इसका एक गुणनखंड x+4 होगा, और 7 इसका एक शून्यक है तो इसका एक गुणनखंड x-7 होगा, और ये द्विघात है तो इसके दो ही शून्यक होंगे, अर्थात दो ही गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पर x+4×x-7 ये गुणा कर लेंगे तो प्राप्त हो जाएगा x²-7x + 4x - 28। हल करेंगे तो हो जाएगा x²-3x - 28।
तो ये अब मिलाते हैं 15 नंबर में, तो 15 नंबर का विकल्प हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। ये सबसे आसान तरीका होता है। 16 नंबर प्रश्न, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है। द्विघात बहुपद होगा, यहाँ पर शून्यकों का योग दिया है 5 और गुणनफल दिया हुआ है 6। तो 16 नंबर चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अल्फा प्लस बीटा 5 दिया है, अल्फा इंटू बीटा 6 दिया है, तो माइनस बी बटा ए बराबर हो जाएगा 5/1 और सी बटा ए बराबर हो जाएगा 6/1। यहाँ ए बी सी निर्धारित कर लेंगे तो ए हो गया 1, बी हो गया -5, सी हो गया 6। तो इस तरह से स्टैंडर्ड सूत्र हम लोग व्यापक सूत्र जानते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो इस तरह से ए बी सी का मान बैठा देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो 16 का सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर बी। 17 नंबर प्रश्न, यदि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं तो अल्फा बीटा का मान होगा, अर्थात अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटा ए। यहाँ पे सी क्या है 8 और ए क्या है 1, क्योंकि वाई स्क्वायर का गुणांक ए होता है, तो 8/1 हो जाएगा, तो 8 ही होगा। तो 17 का सही विकल्प यहां हो जाएगा ए 8। 18 नंबर प्रश्न, बहुपद एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x जोड़ 2 दिया है, तो एफ माइनस 1। बहुत ही इजी 9th क्लास का प्रश्न है। यहां पे जो एक्स है उसके जगह पर अब माइनस 1 कर देना है। तो 18 का देख लीजिए, एफ एक्स बराबर दिया है 3x स्क्वायर माइनस 7x जोड़ 2, तो यहाँ हो जाएगा f माइनस 1 बराबर 3। अब x स्क्वायर जहाँ है वहाँ माइनस 1 कर देंगे, देख रहे हैं आप, तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x जोड़ 7 जोड़ 2, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 7 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सबका सम हो जाएगा 12। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ बी। 19 नंबर प्रश्न, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक हैं। शून्य का मतलब सीधा शून्य कर दिया जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 है यहाँ, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा और एक्स बराबर क्या होगा अंडर रूट 3, और उसके पहले प्लस माइनस हो जाता है अलजेब्रा में, क्योंकि एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स बराबर प्लस रूट 3 माइनस रूट 3। 19 का सही विकल्प हो जाएगा बी। 20 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन 6x माइनस 2y बराबर 0 तथा 10x प्लस 2y बराबर 32 का हल है, अर्थात सीधी सी बात है xy का मान निकालना है। ये 2y प्लस 2y माइनस, यहाँ देख रहे हैं कि एक जो चर है y इसका गुणांक बराबर है, तो सीधा जोड़ देंगे क्योंकि चिन्ह उल्टा है, जैसा कि आप देख रहे हैं 6x माइनस 2y बराबर 0, 10x प्लस 2y बराबर 32। तो 2y कट गया, सीधा जोड़ा है हमने, तो 10 6 16x बराबर 0 32 32, तो x बराबर 32/16 कट जाएगा 2, x का मान हो जाएगा 2। अब समीकरण किसी भी मान लिया जाए, समीकरण एक में x बराबर 2 पुट कर दिया जाए, तो क्या है यहाँ 6x, तो 6 × 2 माइनस 2y बराबर 0, तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस 2y इधर रहने देते हैं और उधर 12 चला जाएगा, इधर प्लस है तो माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर हो जाएगा 6। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर b। 21 नंबर प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न, यदि रेखाएं 4x प्लस py बराबर 6, 12x जोड़ 9y बराबर 15 समानांतर हैं, तो p का मान होगा। अब यहां पर दो चर में रैखिक समीकरण युग्म से ये प्रश्न है, तो यहाँ क्या होता है समानांतर का कंडीशन क्या होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं a1/a2 बराबर b1/b2 not equal to c1/c2। हमें p का मान निकालना है,
तो प्रथम दो ले लेंगे, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। A1 कितना है 4, A2 कितना है 12, तो 4 बटा 12। और B1 कितना है P और B2 कितना है 9, तो P बटा 9। यहाँ कटा देंगे, 4 से कटेगा 12 3 और 3 से कट जाएगा 9 3, तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर P बटा 3, तिर्यक गुणन हो जाएगा तो P बराबर क्या हो जाएगा 3। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ B 3। बाईस नंबर प्रश्न, समीकरण निकाय x+2y = 3 कौमा दूसरा दिया हुआ है 5x+ky = 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान है। ये भी इसी चैप्टर से है, संपाती से है, तो इसका कंडीशन क्या होता है चलिए देखते हैं। अनगिनत हल में A1 बटा A2 = B1 बटा B2 ≠ होता है C1 बटा C2, ये जानते हैं। अब बैठा लिया जाए, A1 1, A2 5 बराबर B1 2, B1 यहाँ हो जाएगा 2 और B2 हो जाएगा K और यहाँ C1 हो जाएगा 3 और C2 15। अगर -3 करते हैं तो -15 हो जाएगा, बात वही है। अब यहाँ पर किसका मान लेना है तो K का, तो किसी दो को बराबर कर लेंगे, तो 1/5 = 2/K, तिर्यक गुणन कर लेंगे इसी में, 3/15 छोड़ देंगे तो हो जाएगा K = 10। तो यही इसका K का मान हो जाएगा, तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा D 10। 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? ये बड़ा ही जी प्रश्न है, चैप्टर में भी दिया हुआ है, तो सबको हल करना पड़ेगा, यहाँ समय ज़्यादा लगेगा, आप प्रत्येक को हल कर लें। जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 हो, अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इस आधार पे 23 का हमने कर लिया है, सही उत्तर होगा बी। आप भी करके देख लेंगे, समझ में नहीं आए तो कमेंट करेंगे, बी होगा इसका सही उत्तर। 24 नंबर प्रश्न, द्विघात समीकरण px2+qx+r = 0, जहां p≠0, ये कंडीशन होता है द्विघात का, के मूल है। तो आप स्पष्ट देख रहे हैं कि a के जगह p है और b के जगह q है, c के जगह r है। तो एक सूत्र हम लोग जानते हैं, मूल बराबर क्या होता है, -b + -b² - 4ac/2। तो यहाँ पर विकल्प बी को देखा जाए ध्यान से, -q अर्थात -b प्लस माइनस √q² - 4pr अर्थात 4ac बटा 2p अर्थात 2a। तो यहाँ 24 का सही उत्तर हो जाएगा बी। 25 नंबर प्रश्न, द्विघात समीकरण 6x² + 6x+1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। यहाँ तो प्रकृति के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, विवेचक निकालना होगा, b² - 4ac। तो यहाँ पर 25 का देख लीजिए, d = b² - 4ac होता है, b है 6, तो 6² - 4×6×1, यहाँ पे स्पष्ट देख रहे हैं, हो जाएगा 36 - 24 = 12। ये जो 12 है ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ d > 0, यहाँ आ रहा है d 0 से बड़ा है, अर्थात इस कंडीशन में क्या होता है, मूल वास्तविक और असमान होते हैं। तो 25 का उत्तर हो जाएगा c, वास्तविक और असमान। 26 नंबर प्रश्न, समीकरण 3x² - 18x+6 = 0 के मूल का योग है। तो मूलों का योग पूछ रहा है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा यहाँ पूछा जा रहा है। तो देख लिया जाए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a बराबर --18/3 होगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18/3 कट जाएगा तो क्या होगा 6। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 6। 26 का उत्तर हो जाएगा यहाँ डी। सावधान रहना है, क्योंकि प्लस माइनस में गड़बड़ होता है, तो कहीं सी न कर बैठे, सही उत्तर डी होगा। 27 नंबर प्रश्न, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, जहां a≠0 है, के मूल
एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। यदि कब होंगे, देखिए यहाँ ध्यान देना है, मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम कहा जा रहा है। तो देख रहे हैं आप कि अगर एक मूल अल्फा मान लिया जाए तो बीटा बराबर क्या होगा, एक बटा अल्फा। समझ में आ रहा है, क्योंकि व्युत्क्रम अर्थात उल्टा है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा के जगह पर एक बटा बीटा, जैसा कि आप देख रहे हैं अल्फा अल्फा कैंसिल, बराबर होगा एक। और ये एक किसके बराबर होगा, सी बटा ए, क्योंकि मूलों का गुणनफल सी बटा ए होता है, गुणा कर देंगे तिरिय गुणन, तो ए बराबर सी हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा विकल्प दिया हुआ है 27 का, 27 का सही विकल्प होगा बी। 28 नंबर प्रश्न, समांतर श्रेणी एक बटा दो, एक तीन बटा दो कॉमा दो डॉट डॉट का 15वां पद है। अब यहाँ ये एपी से प्रश्न दिया गया है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। ए बराबर एक बटा दो, डी बराबर भी एक बटा दो, एन बराबर 15 ये दिया है। डी बराबर एक में से एक बटा दो घटा लेंगे तो एक बटा दो होगा। ए 15 का सूत्र क्या होगा, 15वां पद निकालना है, ए प्लस 14 डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक बटा दो प्लस 14 गुना डी है एक बटा दो, तो एक बटा दो प्लस 7 कट गया, 7 बचा यहाँ, 14 कट गया 2 से, तो एक बटा दो प्लस 7 बराबर हो जाएगा 15/2। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा बी। 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। अब समांतर श्रेणी में नहीं है तो यहां देख लेंगे, लगातार पदांतर जब बराबर आए तो समांतर श्रेणी में होगा, बराबर नहीं आए तो नहीं होगा। ये आप जानते हैं, अर्थात ए टू माइनस ए वन बराबर ए थ्री माइनस ए टू आना चाहिए। तो 29 का हो जाएगा कौन सा, 29 का उत्तर हो जाएगा डी। आप पदांतर चेक कर लेंगे प्रत्येक प्रश्न का। 30 नंबर प्रश्न, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद 9 एवं सार्व अंतर -3 हो तो इसके प्रथम 12 पद का योगफल। यहाँ योगफल पूछ रहा है, अर्थात SN 12 पद अर्थात S12। तो चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे A है 9, D है -3, N है 12। अब SN अर्थात S12 क्या होगा, 12/2 इंटू 2a होता है तो 2 गुणा 9 माइनस एन माइनस 1 होता है तो 12 माइनस 1 गुणा डी है -3 तो -3 यहाँ ब्रैकेट में रहेगा। 12/2 कट जाएगा, क्या होगा 9 दूनी 18 प्लस 11 गुणा -3, हल करेंगे तो 6 गुणा -15 यहाँ बचेगा, 15 × 6 = 90। तो यहाँ माइनस है चिन्ह अभी, तो इस 12 बराबर हो जाएगा -90। 30 का सही उत्तर हो जाएगा यहां सी। जो भी समझ में नहीं आए उसको स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में विस्तार से आप देखेंगे। 31 नंबर प्रश्न, समांतर श्रेणी 17, 34, 51 का कौन सा पद 170 होगा। तो चलिए आइए देखते हैं, जल्दी से बना लेते हैं। ए एन बराबर 170 अर्थात अंतिम पद, ए बराबर 17 है, डी बराबर भी 17 होगा, क्योंकि 17 के क्रम में है, 17 × 34 17 × 51, तो सर्व अंतर प्लस 17। यहाँ एन निकालना है, सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन है 170 प्लस 17 जोड़ एन माइनस 1 गुणा 17। अब हल कर लेंगे, देख रहे हैं आप n माइनस 1 में 17 से गुणा कर दिया गया, 17 कैंसिल हो गया, तो 170 बराबर 17 n, n बराबर क्या हो जाएगा, कट के 10 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप समझते रहेंगे या पाउस करके समझ लेंगे। चलिए आइए, तो 31 का कौन सा विकल्प हो गया बी। 32 नंबर प्रश्न, समांतर श्रेणी 51, 48, 45, डॉट डॉट 6 में पदों की संख्या है, कितनी पदों की संख्या है ये बतलाना है। तो 32 को भी चलिए आइए हल करते हैं, a बराबर 51, d बराबर -3, a n बराबर 6 और n का मान निकालना है। सूत्र लिख लेंगे, जैसा आप देख रहे हैं a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 6 का 6 बराबर हो जाएगा 51 प्लस n माइनस 1 गुणा -3, जो जहाँ है पुट कर दिया गया, 6 बराबर हो जाएगा 51 माइनस 3 एन
और प्लस 3, तो 6 बराबर हो जाएगा 54 माइनस 3n, यहाँ साइड में निकल गया है 3n बराबर 54 माइनस 6, 3n बराबर 48, n बराबर 16 या 48, तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा बी 16। 33 नंबर प्रश्न, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है, अर्थात विषम संख्याएं कितनी है ये बतलाना है। तो चलिए आइए देखते हैं 33 नंबर प्रश्न में, 0 और 50, जैसा कि आप देख रहे हैं 0 के बाद पहली संख्या 1 और 50 के पहले पहले विषम संख्या 49, तो यहाँ अब 1, 3, 5 डॉट डॉट 49 तक ये बतलाना है कितनी संख्या है। तो ये एपी में होगा क्योंकि सर्व अंतर होगा डी, सम संख्या हो या विषम दोनों का सर्व संख्या हमेशा सर्व अंतर डी होता है। तो ए बराबर 1, डी बराबर 2, ए एन बराबर 49, सूत्र पर बैठा देंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा 49 बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, 49 बराबर हो जाएगा 2n माइनस 1, तो 2n बराबर क्या हो जाएगा ये चला जाएगा इस साइड, तो 49 एक 50 और कटा देंगे n बराबर 50 बटा 2, तो हो जाएगा 25। तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ए 25। अब 34 नंबर प्रश्न, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है, तो AB बराबर अंडर रूट 15 है, BC बराबर 1 है, AC बराबर 4 है, ये सभी सेंटीमीटर में है, टैन A का मान क्या होगा। तो चलिए 34 का फिगर के साथ समझते हैं, यहाँ देख रहे हैं आप फिगर सब लिखा हुआ है, पॉज करके भी देख सकते हैं, टैन A बराबर होगा BC बटा AB, क्योंकि सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा होता है एक ही बात है, तो नीचे बेसी BC जो है सम्मुख भुजा होगा, तो क्या हो जाएगा 1 बटा अंडर रूट 15, तो ये इसका 34 का उत्तर हो जाएगा 1 बटा अंडर रूट 15, 34 का विकल्प कौन सा होगा तो होगा सी। 35 नंबर प्रश्न, कौशिक फाई बराबर के, तो कौश फाई का मान क्या होगा, चलिए देखते हैं 35 नंबर प्रश्न, कौशिक फाई बराबर के है अर्थात 1 बटा साइन फाई बराबर के होगा, क्योंकि 1 बटा साइन थीटा बराबर कौशिक थीटा होता है, अब साइन फाई बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा के हो जाएगा, उलट देंगे तो अब कॉस फाई बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ साइन स्क्वायर फाई का मान निकाले हैं हम, तो उसके जगह पर 1 बटा के पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा के का स्क्वायर, हल कर लेंगे देख रहे हैं आप के स्क्वायर माइनस 1 बटा के स्क्वायर, ऊपर का वर्गमूल नहीं निकलेगा नीचे निकल जाएगा, तो हो जाएगा अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 1 बटा के, तो यहाँ 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। 36 नंबर प्रश्न, 1 बटा सेक फाई बराबर, तो 1 बटा सेक फाई जानते हैं कि 1 बटा सेक थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, तो 36 का विकल्प कौन सा हो जाएगा 36 का हो जाएगा बी। 37 नंबर प्रश्न, यहीं पे देख लिया जाए, कोट एक्स इंटू टेन एक्स, तो हम जानते हैं कि कोट एक्स बराबर 1 बटा टेन एक्स या टेन एक्स बराबर 1 बटा कोट एक्स, तो दोनों में से किसी एक को बदल देंगे कट जाएगा और कटने के बाद मान हो जाएगा 1, तो यहाँ 37 का सही उत्तर हो जाएगा ए 1। 38 नंबर प्रश्न, यदि कॉस फाई बराबर 1 बटा 2 तो कौशिक फाई का मान होगा, चलिए आइए देखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कॉस फाई बराबर 1 बटा 2, अब कॉस फाई 1 बटा 2 कॉस के पद में कितना होगा, तो कॉस 1 बटा 2 का मान कब होता है कॉस 60 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पर कॉस फाई बराबर कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, कॉस कॉस हटा देंगे फाई बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ कौशिक फाई पूछ रहा है, तो फाई के जगह पर 60 डिग्री पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ कौशिक 60 डिग्री, तो और कौशिक 60 डिग्री का मान क्या होगा 2 बटा रूट 3, तो यहाँ 38 का सही उत्तर हो जाएगा बी 2 बटा रूट 3। 39 नंबर प्रश्न,
फाई बराबर 45 डिग्री, तो सेक फाई प्लस कॉसेक फाई बराबर, तो कुछ नहीं करना है, फाई की जगह 45 डिग्री का मान रख देना है। तो चलिए आइए देखते हैं, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा या फाई जो भी कह लें, तो सेक 45 डिग्री प्लस कॉसेक 45 डिग्री, तो सेक 45 डिग्री रूट टू, कॉसेक 45 डिग्री रूट टू, दोनों को जोड़ देंगे 2√2, उत्तर होगा डी। 40 नंबर प्रश्न प्रारंभ करते हैं, यदि रूट तीन टेन ए माइनस तीन बराबर जीरो, तो ए का मान यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, रूट तीन टेन ए माइनस तीन बराबर जीरो, तो टेन ए बराबर क्या होगा, माइनस तीन है उधर चला जाएगा, प्लस तीन हो जाएगा बटा रूट तीन, अब ऊपर तीन है और बटा में रूट तीन है कटा देंगे, तो रूट तीन होगा, टेन ए बराबर रूट तीन, और टेन में रूट तीन का मान कितने का होता है, टेन 60 डिग्री, तो टेन ए बराबर टेन 60 डिग्री, तो ए बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 60 डिग्री, तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा बी 60 डिग्री। 41 नंबर प्रश्न, सेक 35 डिग्री बटा कौशिक 55 डिग्री का होल स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, ये पूरक कोण से संबंधित है, तो या तो सेक को बदल लें या कौशिक को बदल लें, आप जानते होंगे, आइए थोड़ा सा देख लें। 41 में सेक 35 डिग्री बराबर क्या होगा, सेक 35 डिग्री को लिख सकते हैं कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पर 35 है तो कौशिक 90 डिग्री माइनस 35 लिख देंगे, बटा कौशिक 55 ज्यों का त्यों, अब 90 में से 35 घटा लेंगे तो क्या होगा, कौशिक 55 और बटा कौश 55 पहले से है, ऊपर सब स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर होगा, कट जाएगा एक, एक का स्क्वायर एक, तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा सी एक। 42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, तो चलिए एक एक करके सबका मान देख लेते हैं, कॉस 45 डिग्री तो एक बटा रूट दो, साइन 0 डिग्री 0, कोट 45 डिग्री तो इसका मान होता है एक, कॉस 60 डिग्री एक बटा दो, तो यहाँ सबसे अधिक एक है तो कौन सा होगा, कोट 45 डिग्री, तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी कोट 45 डिग्री। 43 नंबर प्रश्न, साइन 30 डिग्री बराबर, अब साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है एक बटा दो, विकल्प हो जाएगा बी। 44 नंबर प्रश्न, प्लस वन बराबर क्या होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्यों, क्योंकि क्या बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है और माइनस वन पहले से है, एक एक कट जाएगा बचेगा क्या, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 45 नंबर प्रश्न, वन माइनस एक स्क्वायर थीटा गुणा कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको देखते हैं 45 को, जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा है तो ये हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और गुणा पहले से कॉट स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ देख लेते हैं टेन स्क्वायर थीटा है माइनस में और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक बटा टेन स्क्वायर थीटा, तो ये टेन स्क्वायर कट जाएगा बचेगा माइनस एक, तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा सी माइनस एक। 46 नंबर प्रश्न, साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर क्या होगा, तो चलिए इसको भी देखते हैं, साइन अल्फा इंटू कॉट अल्फा, साइन अल्फा ज्यों का त्यों, कॉट अल्फा हो जाएगा कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा, साइन साइन कट जाएगा बराबर कॉस अल्फा, तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा बी कॉस अल्फा। 47 नंबर प्रश्न, यदि थीटा बटा 5 बराबर 12 डिग्री, तो तीन गुणा, यहाँ ध्यान दीजिएगा गुणा का चिन्ह एक्स नहीं है, कौशिक स्क्वायर थीटा, तो थीटा बराबर, चलिए देखते हैं, थीटा बटा 5 बराबर 12 डिग्री, तो थीटा बराबर 12 पचे 60, 60 डिग्री हो जाएगा, अब पूछ रहा है कि तीन गुणा कौशिक स्क्वायर थीटा, तो तीन गुणा कौशिक स्क्वायर 60 डिग्री बराबर तीन गुणा कौशिक 60 डिग्री का क्या होता है दो बटा रूट तीन, तो इसका वर्ग हो जाएगा, तो तीन गुणा चार बटा तीन, दो दूनी चार और रूट तीन का स्क्वायर करेंगे तो तीन, तीन तीन कट जाएगा विकल्प हो जाएगा चार, तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ चार सी। 48 नंबर प्रश्न, देखिए
अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई त्रुटि लग रही है तो आप निसंकोच कमेंट करें, मेरा ध्यान आकर्षण कराएं। हो सकता है, संभावना है कि किसी से भी कुछ थोड़ी सी त्रुटि हो जाती है। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। 48 नंबर प्रश्न, यदि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर एक तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x बराबर क्या होगा। फल देखते हैं, साइन एक्स जोड़ साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 है तो साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, उस साइड चला जाएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और ये किसके बराबर होगा 1 माइनस साइन एक्स के बराबर होगा। अब यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स को उस साइड भेज देते हैं और 1 माइनस साइन स्क्वायर को इधर लाते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस साइन एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स। समझने के लिए आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। तो हो जाएगा साइन एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स। अब दिया हुआ है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x, तो यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पर साइन एक्स रख देंगे और कॉस 4x जो है यहाँ कॉस स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। और दिया हुआ है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 48 का सही उत्तर होगा सी 1। उनचास नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कोसेक 60 डिग्री के बराबर है। तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा सेक 30 डिग्री सी। ये जो सेक 30 डिग्री है वो सेक 60 डिग्री के बराबर होगा। आप मान दोनों का निकाल के देख सकते हैं, सारणी का भी सहारा ले सकते हैं। 50 नंबर प्रश्न, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। यहाँ कोसेक थीटा पूछ रहा है तो 50 को चलिए सॉल्व करते हैं। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर एक, ये समीकरण एक मान लिया जाए। अब हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी के रूप में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर एक। अब यहाँ समीकरण एक से दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स, तो एक्स गुणा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर एक। अब एक्स को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर एक बटा एक्स। ये दो समीकरण हो गया, दोनों को जोड़ दिया जाए तो कॉट थीटा देख रहे हैं यहाँ कैंसिल हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा 2 कोसेक थीटा बराबर जोड़ देंगे एक्स प्लस एक बटा एक्स, जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स हो जाएगा और दो चला जाएगा उधर तो बटा में हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा 2x। ये इसका कंप्लीट आंसर हुआ। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पॉज करके देख लें। अब देखिए ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो ये 50 प्रश्न हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव पहले भाग में कर लिया और शेष 51 से 100 तक दूसरे भाग में करेंगे, अन्यथा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसी दिन शेष 50 प्रश्नों का हल हम इसी तरह से करके समझा के आपको 100 तक सभी प्रश्न करा देंगे। एक बात और है, इसका 2 अंक स्तरीय तथा 5 अंक स्तरीय सभी प्रश्न एक एक करके मैं समझाऊंगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।